हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 3.3 टेंथ स्टैंडर्ड एनसीईआरटी थर्ड क्वेश्चन. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन हिंदी एंड इंग्लिश एज इट इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम सम ऑफ द व्यूअर्स टू एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो. तो आपको यहाँ पर देखना है एक्सरसाइज 3.3 में हम सबस्टिट्यूशन मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, बट एग्जाम में अगर मेंशन नहीं किया हुआ मेथड तो आप किसी मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो आपको यहाँ पर एक लीनियर टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एज दे आस्क द पेयर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिया है, आपको इसमें से लीनियर पेयर फॉर्म करना है एंड फाइंड द सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो यहाँ पर मेथड मेंशन किया है तो आपको इसी मेथड से करना है, बट यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली आपको इक्वेशन नहीं दिया, आपको फॉर्म करना है. तो आप पढ़ते हैं 600 से स्टेटमेंट दिया रहता है, आपको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आना चाहिए. तो देखेंगे एक स्टेटमेंट के साथ दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे. सो पहले देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. पूरा पहले आपको पूरा पढ़ना है. एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर. तो दिया दो डिफरेंस मतलब क्या, सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो नंबर का डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है 26, और उन्होंने एक भी नंबर नहीं दिया. सो हम लोग लेते हैं लेट वन नंबर बी एक्स. सो दो नंबर चाहिए तो अनादर नंबर, और फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर ऐसे भी ले सकते हो, नंबर बी वाई. सो डिफरेंस बिटवीन, तो ये दो नंबर हमने लेट कर लिया, कंसिडर कर लिया. सो डिफरेंस मतलब अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट एक्स माइनस वाई. सो यू कैन टेक वाई माइनस एक्स ऑल्सो बिकॉज दे आर नॉट मेंशन विच नंबर इज फर्स्ट विच नंबर इज लेटर. सो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 इज इंडिकेट्स वॉट, इक्वल साइन. सो ये हमारा इक्वेशन वन हो गया. नेक्स्ट एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर. तो इसमें से कोई एक नंबर एक्स या फिर वाई दूसरे नंबर से थ्री टाइम्स है. सो लेट अस टेक दैट वन नंबर. आई टेक व्हाट, एक्स. वन नंबर इज दैट इज इक्वल थ्री टाइम्स, मतलब कि आपको मल्टीप्लाई करना है टाइम्स. रिमेंबर जब भी टाइम्स ऑफ आता है तब आपको करना है मल्टीप्लाई करना है थ्री टाइम्स द अदर. तो अदर नंबर क्या हो गया हमारा, वाई. सो यहाँ पर जैसे ही इक्वल साइन आ गया इसका मतलब क्या, इक्वेशन फॉर्म हो गया. सो ये आपका दूसरा इक्वेशन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले. तो कोई भी इक्वेशन लेकर हमको क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. सो आप देख सकते हो आपका सेकेंड इक्वेशन में एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई आपको डायरेक्टली आ रहा है. एक्स एक साइड पर है और वाई दूसरे साइड पर है. सो हम लोग ए लेंगे यहाँ पर, पुट एक्स इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन टू पुट एक्स इक्वल्स टू थ्री इन टू वाई दैट इज थ्री वाई इन इक्वेशन वन. सो हमारी इक्वेशन वन इज वॉट, वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26. तो ए एक्स के वैल्यू हम लोग इसमें डालने वाले हैं. सो दैट इज थ्री वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 26. सो थ्री वाई माइनस वन वाई, रिमेंबर ये कुछ नहीं रहता मतलब वन रहेगा. थ्री वाई माइनस वन वाई इज टू वाई साइन ऑफ बिगर डिजिट इक्वल्स टू 26. तो y इक्वल टू 26, दिस टू विल गो दैट साइड, इट विल बी डिवाइडेड. सो 26 डिवाइड बाय 2 इज 13. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ y इज वॉट 13. सो y अगर 13 है तो x क्या होगा. तो पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन वन और इक्वेशन टू. सो आई विल टेक इक्वेशन टू बिकॉज इट इज इजी, यू कैन सी हियर. सो x इक्वल टू 3 इंटू y दैट इज इक्वेशन टू. सो एक्स इक्वल टू थ्री इंटू वाई इज 13. सो एक्स इज वॉट 13, थ्री जा 39. तो आप वेरीफाई कैसे करोगे कि आपके आंसर सही है या नहीं. आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन लेना है उसमें एक्स और वाई का वैल्यू डालना है और आपको इक्वालिटी होल्ड होती है नहीं देखना है. सो आई विल वेरीफाई, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन आप खुद के लिए वेरीफाई कर सकते हो. सो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26. सो आर एच एस ऑलरेडी तैयार है हमारे पास 26. तो यहाँ पर हम लोग एल एच एस लेंगे एक्स माइनस वाई. एक्स हमारा 39 है
और y है 13, सो यहाँ पर देख सकते हो 26 आ गया. देयरफॉर LHS इक्वल्स टू हमारा RHS क्या है यहाँ पर 26, दैट इज RHS. बिकॉज एग्जाम में समटाइम्स वो ये पूछ सकते हैं कि वेरीफाई, फाइंड द सॉल्यूशन एंड वेरीफाई. अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पर में ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 10 degrees, फाइंड देम. तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट है, उससे आपको लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करके सॉल्व करना है. सो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 18 degrees. सो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, बट यहाँ पर आपको मिलेंगे दो इक्वेशंस, बिकॉज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स जब रहते हैं वहाँ पर एक स्टेटमेंट ऑलवेज फॉर्म होता है. वो क्या होगा? द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 180 degree. दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होगा 180 degree. सो फ्रॉम दिस कंडीशन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो वी कैन राइट दैट लेट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट एंगल वी कैन टेक एज एक्स, देन सेकेंड एंगल we can take as y. So always if there are two these two are supplementary angles, so always sum of supplementary angles, two supplementary angles will be equals to 180 degree. This is our first equation. Then the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो बिटवीन दिस टू, इन दोनों में से आपको लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल्स डिसाइड करना है. सो दैट मे बी एक्स और दैट मे बी वाई. सो आई विल टेक दिस एक्स टू बी लार्जर, सो लेट एक्स बी लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल. सो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज वॉट एक्स. सो एक्स ए हमारा लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है, एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 degree. तो ये स्मॉलर हो गया, तो एक्स ए वाई से कितना है एक्सिट्स, मतलब दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स एक्सिट्स वाई बाय 18. द लार्जर टू सप्लीमेंट एंगल्स, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स एक्सिट्स द स्मॉलर वन. दिस लार्जर, दिस विल एक्सिट मींस दिस विल बी 18 मोर देन द स्मॉलर सप्लीमेंट एंगल. तो यहाँ पर इक्वेशन आ गया, इक्वल साइन मतलब इक्वेशन आ गया. सो यहाँ पर आपको टू इक्वेशन फॉर्म हो गए, याद रखना. उसी तरह आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी आ सकता है. जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा तो आपको यहाँ पर आएगा सम कितना आएगा 90 degree. तो फाइंड देम, सो आपको यहाँ पर एंगल्स फाइंड करना है एक्स एंड वाई. सो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले यहाँ पर, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसे दिया है. और मैं इक्वेशन टू यूज करूंगी, बिकॉज इक्वेशन टू में डायरेक्टली आपको क्या दें, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई दिया है. सो आई विल पुट एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन वन. सो लेट अस राइट इक्वेशन वन, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180. इन दिस इक्वेशन वन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट वी गॉट फ्रॉम इक्वेशन टू. सो एक्स इज व्हाट, वाई प्लस 18 degree प्लस वाई इक्वल्स टू 180. सो वाई वाई इज 2y एंड 180 degree माइनस दिस 18 वी आर गोइंग टू सेंड दैट साइड, इट इज 18 degree. So 2y equals to 180 minus 18, that is 162 degree. So y is equals to 162 degree divided by 2. So y will be equals to 2 ones are 2 8s are 2 ones are, so 81 degree. This value of y, so we got one angle, that is 81 degree. To find out another, that is x, we are going to put this value of y in either equation 1 or equation 2. So I'll take equation 1. From equation 1, x plus y equals to 180. So put this value, put x equals to y equals to 180 in equation 1. So x plus 81 degree equals to 180, x equals to 180 degree minus 81 degree. So x equals to 99 degree. So आपको मिल गया x का value and y का value. तो एक वेरिफिकेशन आप कर सकते हो,
एक्स हमने लार्जर लिया था तो हमको एक्स लार्जर मिल गया और वाई स्मॉलर मिल गया। और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको 180 आना चाहिए, या फिर एक्स और वाई का वैल्यू डालने के बाद वाई प्लस 18 19 आना चाहिए। आप वेरीफाई खुद भी कर सकते हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।